कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी और जनता दल से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी की टीम ने लिया हिरासत में। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने के तुरंत बाद रेवन्ना जर्मनी चले गए थे, जिसके बाद देर रात जर्मनी से देश वापस लौटे। रेवन्ना गुरुवार को देर रात जर्मनी के म्यूनिख से भारत लौटे और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। इसलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। दरअसल इससे पहले कर्नाटक से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि प्रज्वल शुक्रवार को एसआईटी के सामने पेश होंगे। रेवन्ना के खिलाफ मामले में अब तक 3 अलग अलग मामले दर्ज है, इसमें से 3 बलात्कार और 1 यौन उत्पीड़न का मामला है। प्रज्वल का पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। यह 47 साल की पूर्व नौकरानी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। इस एफआईआर में प्रज्वल और उनके पिता एचडी देवगुड़ा दोनों शामिल है, लेकिन इस मामले में रेवन्ना जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन बाद में इस महिला के कथित बयान के आधार पर बलात्कार का मामला भी प्रज्वल के खिलाफ रजिस्टर हुआ। दूसरा मामला 1 मई को सीआईडी ने दर्ज किया, जिसमें 44 साल की एक महिला ने रेवन्ना पर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाली महिला जेडीएस की कार्यकर्ता है, जिसने प्रज्वल पर पिस्टल दिखाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। यूं ही नहीं, अगर बात करें तीसरे मामले की तो एसआईटी ने दर्ज किया। पीड़ित महिला की उम्र 60 साल बताई गई। इसमें प्रज्वल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया, यानी प्रज्वल पर बलात्कार के 3 मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज है, जबकि 354B, 354C और 506 के मामले भी दर्ज है। आपको बता दें कि रेवन्ना लोकसभा चुनाव में एनडीए से प्रत्याशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवन्ना के समर्थन में जनता से वोट के लिए एक बड़ी जनसभा भी की थी, लेकिन कथित मामलों के चलते रेवन्ना को जनता दल से निलंबित किया गया, जिसके बाद रेवन्ना जर्मनी चले गए। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए लगातार द नगरी न्यूज के साथ। मैं आपके साथ दीपेंद्र कुमार।